हे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको 5,000 रुपये के अंदर एक गेमिंग और एडिटिंग लैपटॉप चाहिए तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको एक बेस्ट लैपटॉप मिल जाएगा। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों में से कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही होने वाला है। अकॉर्डिंग टू योर प्राइस आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हैं। मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके आप जो है ले सकते हैं, तो चैनल के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी आ जाते हैं दोस्तों सब्सक्राइब पे। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक भी कीजिए और उसके साथ साथ ही दोस्तों आपको जो सब्सक्राइब भी कर लेना है। सब्सक्राइब करने पे आपको एक भी पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हमें जो है मोटिवेट मिलता है ताकि मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ चीज को ध्यान रखना होगा। मैंने दो लैपटॉप पे ऐसा है कि यहाँ पर मैंने 8GB का रैम यूज किया है। अभी आप कह सकते हैं कि 8GB क्यों, 16GB क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि अगर मैं 16GB का रैम लेता तो शायद इस बजट पे आपको एक लैपटॉप नहीं मिलता, और अगर आपको मिल भी जाता तो फिर आपको ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि आज का ये वीडियो का टॉपिक यही है कि आपको एक बेस्ट गेमिंग और एडिटिंग लैपटॉप चाहिए अंडर 50,000 रुपीज, इस वजह से मैंने यहाँ पर ग्राफिक कार्ड के ऊपर ज्यादा मैंने फोकस किया है और ग्राफिक कार्ड को मैंने अच्छा लेने के यहाँ पर मैंने कोशिश किया है। इसलिए दोस्तों ग्राफिक कार्ड आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन दो लैपटॉप पे आपको रैम थोड़ा कम आपको मिलेगा। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर 8 सीरीज के जितने भी लैपटॉप होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, ये प्रोसेसर इसीलिए यूज होता है ताकि जो है अगर आप गेमिंग एडिटिंग करना चाहते हैवी टास्क के लिए ये प्रोसेसर यूज किया जाता है। अगर आप ये वाला प्रोसेसर लेते हैं तो फिर आपको बैटरी बैकअप जो है उतना ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा कम मिलेगा आपको। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप लैपटॉप को यूज करें तो पावर केबल लगा के फिर आप जो है यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों ये है कि सभी लैपटॉप के अंदर आपको सेम पोर्ट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि 2 USB पोर्ट, टाइप ए वाला, एक टाइप सी वाला, एक HDMI, RJ45, एक आपको USB ऑडियो कॉम्बो जैक भी आपको मिलेगा। सेम तीन लैपटॉप पे ही सेम ही आपको वही सब कुछ चीज आपको मिल जाएगा। सभी लैपटॉप के अंदर आपको विंडोज प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा, विंडोज 11 प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। और दोस्तों नंबर 3 पे जो लैपटॉप का प्राइस है, नंबर 2 पे वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, नंबर 1 पे जो आएगा वो सबसे ज्यादा रहेगा। इस हिसाब से मैंने यहाँ पर लैपटॉप को दोस्तों चूज किया है। अभी चलिए दोस्तों आ जाते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 3 पे दोस्तों मैंने यहाँ पर जो लैपटॉप को चूज किया है वो लेनोवो की तरफ से IdeaPad Gaming 3। जान लेते दोस्तों यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन। तो प्रोसेसर पे आपको AMD Ryzen 5 5500H, 6 कोर और 12 थ्रेड आपको मिल जाता है, और डिस्प्ले पे आपको 15.6 इंचेस का फुल HD IPS पैनल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है विद 250 nits ब्राइटनेस एंड 60Hz रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। रैम दोस्तों यहाँ पर 8GB का रैम मिल जाता है, DDR4 3200 MHz का आपको रैम मिल जाता है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इस लैपटॉप पे इन फ्यूचर और डिमांडिंग गेम प्ले करना, तो मेरे हिसाब से आप जो है और 16GB रैम जो है आप जो यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं, तो फिर अब अच्छे से जो डिमांडिंग गेम हम प्ले कर सकते हैं। स्टोरेज दोस्तों यहाँ पर 512GB का NVMe SSD आपको देखने को मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड NVIDIA के तरफ से RTX 2050 4GB वाला ग्राफिक कार्ड यहाँ पर मैंने यूज किया है, ताकि आप जो है 1080p रेजुलेशन पे विद मिड टू हाई सेटिंग पे गेम आप जो है प्ले कर पाए। और दोस्तों पोर्ट्स पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, 2 टाइप ए, एक आपको टाइप सी, एक HDMI, एक RJ45 और एक कॉम्बो जैक भी आपको मिल जाता है, एक आपको ऑडियो कॉम्बो जैक भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों आ जाते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे मैंने यहाँ पर जो लैपटॉप को चूज किया है वो आता है ASUS के तरफ से, टफ सीरीज का लैपटॉप है, गेमिंग F15 है। जान लेते इसकी भी स्पेसिफिकेशन। तो ये वाला प्रोसेसर इंटेल के तरफ से आता है दोस्तों, i5 11400H सीरीज का ये है, 6 कोर और 12 थ्रेड सबको मिल जाता है। मेमोरी पे आपको इसके अंदर भी आपको जो है 8GB का रैम मिल जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं इसे एक्सपेंडेबल करना तो अप टू 32GB तक आप जो है एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। डुअल चैनल आपको यहाँ पर मिल जाता है इस लैपटॉप के अंदर। स्टोरेज पे 512GB का NVMe SSD भी आपको मिल जाता है। डिस्प्ले दोस्तों 15.6 इंचेस का फुल HD IPS पैनल विद एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, और उसी के साथ आपको 144Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है। ग्राफिक कार्ड की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो RTX 2050 4GB का ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाता है, इससे कि आप जो है 1080p पे गेमिंग कर सकते हैं, AAA टाइटल वाला गेमिंग आप जो है कर सकते हैं हाई सेटिंग मैक्सिमम सेटिंग पे, और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो हायर रेजुलेशन भी आपको देखने को मिल जाए। इस पे भी दोस्तों मैं वही चीज मैं आपको कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं और भी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस लेना तो फिर आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं 16GB तक। ये मैं आपको कहूंगा कि अगर आप करते हैं तो फिर बेटर आप गेमिंग कर सकते हैं।
नंबर एक पे दोस्तों मैंने यहाँ पर जो लैपटॉप को चूज किया है वो आता है एसर के तरफ से एसपेयर 5। इसके अंदर भी आपको इंटेल के तरफ से i5 1240p आपको मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको 12 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिलता है। 16GB का रैम मिल जाता है, एक्सपेंडेबल अप टू 32GB तक कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको जो है ड्यूएल चैनल मिल जाएगा। 512GB का NVMe SSD आपको मिल जाता है। 15.6 इंचेस का फुल HD IPS पैनल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाता है विद 60Hz रिफ्रेश रेट। ग्राफिक कार्ड पे आपको 2050 का RTX 2050 का ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाता है 4GB वाला। और बैटरी पे तो दोस्तों आपको 7 घंटे का बैटरी लाइफ भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही था आज के टॉप 3 लैपटॉप्स का नाम। आई होप कि आपको इस वीडियो को पसंद आया है। अगर आपको वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको सवाल है तो आप मुझे कमेंट पे भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।